Assalamualaikum guys, what's up and welcome back to another video. आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और क्विक रिव्यू करेंगे टेक्नो पोवा का। मैं पर्सनली इसको अनबॉक्स और रिव्यू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है इस प्राइस टैग में, आई थिंक सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि अगर बात कर लें इस डिवाइस के चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको G80 प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टोरेज डिपार्टमेंट की बात करें तो 6GB रैम है, 128GB का स्टोरेज कॉम्बिनेशन है, जो कि आई थिंक सो 25,000 के प्राइस टैग में, इवन तो 25,000 पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा कि कैसे आपने डिस्काउंट अवेल करनी है। और मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि ये इस प्राइस टैग में वाहिद ऐसी डिवाइस है जहां पर आपको G80 प्रोवाइड किया गया प्लस 6128GB के स्टोरेज कॉम्बिनेशन के साथ, और बहुत ज्यादा ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इस डिवाइस में। वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं से भी स्किप ना कर देना, क्योंकि अगर आपका बजट 25,000 पे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। उसके अलावा इस वीडियो में हमने छोटा सा गिव अवे अरेंज किया आपके लिए, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कर देना। सो दैट आई वेस्टिंग द टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आते हो तो विजिट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टेक्नो पोवा का पबजी टेस्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है और उसके अलावा इसका फुल रिव्यू भी बहुत जल्दी चैनल पर आ जाएगा। तो दैट आई वेस्टिंग द टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जी बॉक्स टेक्नो पोवा का, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इस टाइम ये डिवाइस जस्ट अवेलेबल है cubeonline.pk पर। अगर आप बाय करना चाहें तो आप वहां से बाय कर सकते हैं 25,000 के प्राइस टैग के साथ, लेकिन कुछ डिस्काउंट चाहिए, वो कैसे अवेल करनी है वो मैं नेक्स्ट चल के बताता हूं। सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देन कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन को रीड करते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो बहुत प्रीमियम पैकिंग आपको प्रोवाइड की गई है एज कम्पेयर टू ओल्ड टेक्नो मोबाइल। यहाँ पर पोवा की ब्रांडिंग है, टेक्नो की ब्रांडिंग। साइड की बात करें तो पोवा की ब्रांडिंग है और यहाँ पर कुछ आपको स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई हैं। हीलियो G80 का चिपसेट है, 6000mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग है, 6.8 इंच की डॉट इन डिस्प्ले है, 13 मंथ की वारंटी है। टेक्नो की ब्रांडिंग, मैनचेस्टर की ब्रांडिंग, पोवा की ब्रांडिंग, फ्री टेम्पर्ड ग्लास है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर पीटी का लोगो की ब्रांडिंग है। उसके अलावा 6GB 128GB की स्टोरेज है। बैक साइड की बात करें तो कुछ यहाँ पर आपको डिटेल हाईलाइट की गई है, जो कि आपको नेक्स्ट चल के मैं बताता हूँ। नीचे वाली साइड की बात करें तो बॉटम की, तो यहाँ पर आपको जो कलर है इस डिवाइस का वो है मैजिक ब्लू। सब बॉक्स को सिंपली तरीके से ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें, फ्रंट साइड पर आपका मोबाइल पड़ा और यहाँ पर एक न्यू पैटर्न के साथ यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अगर बात करें पहली चीज़ की, तो यहाँ पर आपको IM स्टिकर देखने को मिलने वाले हैं। उसकी तरफ बात करें एक हार्डवेयर केस, और उसकी तरफ बात करें पोवा का पेपर वर्क, अगेन ब्रांडिंग, और देखने के स्लीड में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो पहली चीज़ हमें स्लीड में देखने को मिली है वो है इसका टेम्पर्ड ग्लास, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नो और इन्फिनिक्स वगैरह के जो न्यू मॉडल आते हैं उनके मोबाइल बहुत मुश्किल से मार्केट में मिलते हैं। उसकी तरफ दूसरी चीज़ हमारे पास निकल के जो आ रही है वो है टेक्नो की ब्रांडिंग 13 मंथ की। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में। उसके अलावा कुछ यहाँ पर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं पड़ता, ये बहुत प्यारे डिज़ाइन में प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा बॉक्स बिल्कुल ये एम्प्टी है। उसके अलावा अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, जो कि TPU केस भी आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लास के साथ यहाँ पर TPU केस भी प्रोवाइड की गई है। जो उस तरफ आउट ऑफ द बॉक्स जो नेक्स्ट निकल के आ रही है वो है आपकी पावर ब्रिक, और आई होप ये 18W की फास्ट चार्जिंग हो। 18W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, यस, और 18W की ही पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत अप्रिशिएटिंग चीज़ है, क्योंकि टेक्नो यूजली आपको 10W की चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन 18W की सपोर्ट होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 18W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। उस तरफ आउट ऑफ द बॉक्स जो नेक्स्ट निकल के आती है वो है आपकी एक microSD की केबल, नॉर्मल क्वालिटी की बिल्कुल। तो ये थी कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपको एक हैंड फ्री भी प्रोवाइड की गई है अनएक्सपेक्टेड। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं था कह रहा कि टेक्नो हैंड फ्री भी आपको प्रोवाइड करेगा इस प्राइस टैग में, क्योंकि टेक्नो की जितनी भी डिवाइस आती है वहाँ पर हैंड फ्री नहीं निकलती आमतौर पर इस प्राइस टैग में, ज़्यादातर ब्रांड हैंड फ्री प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपको हैंड फ्री प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 18W की पावर ब्रिक भी देखने को मिल रही है और आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिल रही है, जो कि आई थिंक सो बहुत अच्छी बात है। सो ये था आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। अगर डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट दिए गए हैं जो कि सेम है बिल्कुल, जो आपको बैक पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है इसको रिमूव करना। यहाँ पर उतनी देर में डिवाइस को टर्न ऑन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। उसी तरह बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर इसको भी उतार देते हैं ताकि एक्सपीरियंस अच्छा निकल गया है हमारे यूज़र का। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। अगर बात करूँ यहाँ पर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर बात करें, जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ लाइट में, तो यहाँ पर शेड पैटर्न चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ग्लिटर टाइप का यहाँ पर आपको पैटर्न कलर प्रोवाइड किया गया है। उस तरफ बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। उस तरफ आपका क्वाड कैमरा सेटअप है, और उसके अलावा पोवा की ब्रांडिंग है। अगर साइड की बात करें तो साइड पर यहाँ पर आपका पावर ऑन ऑफ बटन है, आपके वॉल्यूम की रॉकर्स हैं,
ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ बिल्कुल एम्प्टी है। साइड की बात करें तो साइड पर आपका सिम सिचुएशन है और साथ ही साथ आपका गूगल असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बटन है जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉटम की बात करें तो यहाँ पर आपकी चार्जिंग पोर्ट है, आपका 3.5 mm का जैक है, आपका एक माइक है। उस तरफ आते हैं डिवाइस के फ्रंट साइड पर, इसको मैं सेटअप कर लूँ देन मिलते हैं। तो डिवाइस को फाइनली सेटअप करने के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस की डिस्प्ले क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको वैसे तो प्रोवाइड की गई है 6.8 इंच की बिग डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, डॉट इन डिस्प्ले है। यहाँ पर बहुत बड़ी डॉट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी डॉट है। और उससे बात करें इस डिवाइस में मुझे जो एक अच्छी चीज़ नज़र आई है वो है इस डिस्प्ले की स्मूथनेस, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले है। उस तरफ ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी ऐसी प्रोवाइड की गई है, आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला नॉर्मल डे लाइट में। वो फुल रिव्यू में क्लियर कर दूँगा कि सनलाइट में इसका इशू आता कि नहीं। उस तरफ बात कर लेते हैं इस डिवाइस की कुछ और सेटिंग में, अबाउट फोन में जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, ये डिवाइस बेस्ड एंड्रॉइड 10 पर और HAUS 7.0 पर। उसके अलावा बात कर लेते हैं स्टोरेज डिपार्टमेंट, 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, फ्रंट 8MP की डॉट इन सेल्फी है, 13MP का क्वाड कैमरा सेटअप है, G80 का चिपसेट है, 6000mAh बैटरी है विद 18W फास्ट चार्जिंग और आउट ऑफ द बॉक्स भी 18W फास्ट चार्जर ही निकला है इस बारी अनएक्सपेक्टेडली। और इस तरफ यहाँ पर आपको 720p की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 1080 होती तो बहुत अच्छा होता। उस तरफ बात कर लेते हैं स्टोरेज डिपार्टमेंट की तो ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। चिपसेट की बात करें तो इस डिवाइस में आपको जो चिपसेट प्रोवाइड किया गया ना, आई थिंक सो बहुत अच्छा चिपसेट है। G80 का चिपसेट है विद 6GB 128GB के कॉम्बिनेशन के साथ और आई थिंक सो ये फर्स्ट डिवाइस है जो कि 25,000 के प्राइस के साथ, उस पर भी आपको 1,000 डिस्काउंट है क्यूब ऑनलाइन डॉट पी के पर। 24,000 की ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगी और ऑफलाइन में भी कुछ ही वीक्स बाद आ जाएगी, लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑनलाइन के लिए है। उस तरफ बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कुछ कैमरा शॉट ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी कैसी निकल के आती है। यहाँ पर एक शॉट भी कर लेते हैं और क्वालिटी की चेक करते हैं कैसी निकल के आती है। लैंग्वेज में बाद में चेंज कर लूँगा, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आर्टिफिशियल लाइट में इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल गई है। यहाँ पर देखिए इसने इवन दो वाइट को भी अच्छी तरह डिटेक्ट कर लिया, ये देखिए ये वाइट एरिया और उसने वाइट बॉक्स को अच्छी तरह एरिया कवर कर लिया है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास स्लो मोशन भी अवेलेबल है, उसके अलावा शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, यही कैमरा है और बुके इफेक्ट भी है। उसके अलावा एक फ्रंट सेल्फी ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्वालिटी कैसी निकल के आती है अगर बात करूँ डिटेल की तो यहाँ पर आपको 8MP की सेल्फी प्रोवाइड की गई है, बहुत अच्छी यहाँ पर क्वालिटी देखने को नहीं मिलने वाली इस डिवाइस में, लेकिन आपको गुजारा हो सकता है इतनी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। उस तरफ बात कर लें इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की तो जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका डिवाइस का बैटरी डिपार्टमेंट, 6000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, 18W की फास्ट डुअल IC वाली आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है जो कि अच्छी बात है। और उसी तरफ यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स 18W की फास्ट पावर ब्रिक देखने को आपको मिली है। और सिर्फ इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट में मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी है वो है इस डिवाइस की ऑटोकॉर्ड सप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बैटरी को शाम को चार्जिंग को लगा देते हैं और 100% चार्ज हो जाती है तो उसके बाद ये ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा आपका चार्जर, मतलब आगे सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि बैटरी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। उस तरफ बात कर लें यहाँ पर इस डिवाइस के ओवरव्यू की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा है। यहाँ पर देखिए आपको ग्लिटर शेड प्रोवाइड कर रहा है, अगर जिस एंगल में से मूव करूँ तो यहाँ पर देखिए जिस तरह पेंट किया होता है उस तरह ग्लिटर शेड यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग प्रोवाइड करता है। सो बात कर लेते हैं मेरे इनिशियल व्यू क्या है इस डिवाइस के बारे में। तो यार देखो ये सिंपली आपको डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में ऑनलाइन अभी देखने को मिल जाएगी अराउंड 24,000 के प्राइस टैग के साथ, तो आई थिंक सो अभी के लिए ये बेटर ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका बजट 20 से 25,000 के आसपास है तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहले ऑप्शन अवेलेबल थे वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था इन्फिनिक्स नोट 7 का ऑप्शन था, वहाँ पर G70 है, उसके अलावा रेडमी 9 का था तो वहाँ पर 3GB 32GB रैम है। तो आई थिंक सो अभी के लिए ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है 24,000 के प्राइस टैग में। अगर आप इसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या